मथुरा के छाता तहसील में समाधान दिवस पर सभी फरियादी अपनी फरियाद लेकर आए हुए थे। तभी तहसील के मेन गेट पर अचानक लोगों में भगदड़ और चीख पुकार शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार गांव के रहने वाले दो पक्षों में तहसील के गेट पर पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा होने लगा। इस दौरान दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इससे पहले एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति के सिर पर बीती रात हमला कर दिया, जिसकी वजह से वह व्यक्ति खून से लथपथ हो गया था, जिसकी थाना छाता कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। छाता पुलिस द्वारा दोनों पक्षों में मुचुरका काटे गए और जमानत के लिए दोनों पक्ष तहसील में आमने सामने मिल गए। वहां पर फिर दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा और दोनों को शांत करवाया। एक पक्ष वहां से भाग जाने में सफल रहा, जबकि दूसरे पक्ष को पुलिस अपने साथ थाने में ले गई और उसे शिकायत लिखने के लिए कहा गया और दूसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन भी दिया गया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे छाता कोतवाली रवि त्यागी ने कहा कि पहले जांच की जाएगी, जिस पक्ष की गलती होगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। क्या नाम तुम्हारा? नाम धीरज। को कहाँ के रहने वाले? बूंदी के सर। तो बताएं छाता तहसील में क्या घटना हुई? सर जी, घटना क्या हुई थी, हम आए थे अपना मुचुरका भरवाने के लिए, तो वो लोग उन्होंने हमको रास्ते में देख लिया, उन्होंने हमारा पीछा किया। यहाँ तक हमारा पीछा करते हुए सर जी वो आ गए, हम जैसे ही गेट से बाहर जा रहे थे हमने उनको, वो भी जा रहे थे, हमने उनको रोका, वहाँ की भाई साहब रुको अभी तुम्हारा कुछ काम है, मतलब कि पुलिस ने बुलाए, और उन्होंने फिर मतलब कि हमारे साथ में हाथापाई शुरू कर दी। उसका लड़का था वो भाग गया, उसने फ़ोन किया, गांधी के दो चार लड़के लेके आया था, अपना भाई और अपने चाचा लेके आया था मारने के लिए, सभी के पास में लाठी डंडे और ईंट थे, उन्होंने हमारे साथ मारपीट की है। कितने लोग थे? आठ सात लोग थे सर। वो कौन लोग थे, क्या नाम थे? नाम एक का नाम विजय था, एक का नाम प्रमोद था, एक का नाम हेमराज था, एक का नाम सुरेश था, और गांधी के लड़के थे उनको मैं जानता नहीं हूँ सर, और थान सिंह भी था। तो किस चीज़ से मारपीट हुई? मारपीट, उन्होंने लाठी डंडा चार्ज किया हमारे साथ में, ईंटें भी मारी। ईंटें भी चली? हाँ जी सर। कितने बजे घटना हुई? घटना अभी सर कितना मुश्किल से अब से 15-10 मिनट। कितने लोगों को चोट आई है सर? एक मैं, मुझको एक मेरे भाई को चोट आई है, चेतन को। तुम क्या लोग थे? हम दो लोग थे सर जी। दो लोग थे? हाँ जी। एक हमें बाइक से छोड़ने आया था। एक हमें बाइक से छोड़ने आया था। अच्छा। हाँ जी सर। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।